डिडक्शन ऑफ कैपलर्स सेकेंड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। तो पहले हम याद करते हैं कैपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन क्या है। देखो फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि ऑल प्लेनेट रिवोल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। जितने भी प्लेनेट हैं सन के चारों तरफ इस प्रकार के इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवोल्व करते हैं। और सन कहाँ प्रजेंट होता है, इस इलिप्स के किसी एक फोकाई पे सन प्रजेंट होता है। ये तो फर्स्ट लॉ है। अब सेकेंड लॉ क्या कहता है कि कोई प्लेनेट इस सन के चारों तरफ इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में कहीं भी रिवोल्व करे वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करेगा। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, जिसको हम क्या कहते हैं एरियल वेलोसिटी। सपोज डी ए इज एरिया वेक्टर इन टाइम डी टी। तो ये प्लेनेट इस सन के चारों तरफ कहीं भी रिवोल्व करे किसी भी टाइम में इक्वल एरिया कवर करेगा। मतलब हमें क्या प्रूव करना है, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हमें ये प्रूव करना है कि एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट अराउंड द सन इज कॉन्स्टेंट। जैसे हम मान लेते हैं कि मान लो प्लेनेट यहाँ पर है किसी भी टाइम पे, देन दिस इज रेडियस वेक्टर। ये रेडियस वेक्टर हो गया हमारा जो इस प्लेनेट और सन को ज्वाइन करता है। अब ये प्लेनेट यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया किसी भी टाइम में, तो इसने ये वाला एरिया कवर किया, राइट। मान लो किसी भी टाइम डी टी में प्लेनेट इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंचा, कितने टाइम में, डी टी में कितना एरिया कवर किया, डी ए। अब ये प्लेनेट यहाँ से रिवोल्व करता हुआ जब सन के नज़दीक पहुंचेगा, तो सेम टाइम में सेम एरिया कवर करना है। जब प्लेनेट सन के नज़दीक पहुंच गया तो इसका रेडियस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इसका मतलब क्या होगा, अब इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है ना वो बढ़ जाती है। जब एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी तो फिर से क्या होगा, सेम टाइम में ये सेम एरिया कवर करेगा। जितना ये वाला एरिया यहाँ पर है उतना ही एरिया यहाँ कवर करेगा सेम टाइम में। इसको हम क्या कहते हैं, एरियल वेलोसिटी। अब हमें ये प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमने लास्ट यूनिट में ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था, आप याद कीजिए कि व्हाट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम की जो डेफिनेशन थी, ये हमने जो स्टडी की थी, दैट इज वेक्टर एल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम इन टू डी ए बाई डी टी। इसका मतलब क्या है, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास क्या है एम, किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, एनी ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम इज रोटेटिंग अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, तो उसका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, ट्वाइस ऑफ मास इंटू एरियल वेलोसिटी। दिस इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब यहाँ पर यदि हम ये मान लेते हैं कि ये जो प्लेनेट है इसका मास कितना है एम, एरियल वेलोसिटी क्या है इसकी डी ए बाई डी टी, तो ये आ गया इसका एंगुलर मोमेंटम, राइट। अब यदि हम बात करें कि इस प्लेनेट को रिवोल्व करने के लिए जो सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए, सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन प्लेनेट एंड सन। तो इस सन और प्लेनेट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स वो क्या क्या काम कर रहा है, इनको सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। एंड वी नो दैट सेंट्रिपिटल फोर्स की डायरेक्ट करता है अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड द सेंटर। तो इधर तो आया हमारा फोर्स लगा हुआ इस पर, और रेडियस वैक्टर की डायरेक्शन कौन सी है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वैक्टर। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आर वेक्टर आर और जो फोर्स है इनके बीच में जो एंगल है वो कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, राइट। नाउ वी नो दैट टॉर्क, अब आप टॉर्क की डेफिनेशन याद कीजिए। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ। सो वी नो दैट टॉर्क इज डिफाइंड एज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेडियस वेक्टर एंड फोर्स। सो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस एफ। यदि इसको हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा, टॉर्क टो इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, एंड थीटा इज एंगल बिटवीन आर एंड एफ। यहाँ पर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर, दिस इज एफ। आर और एफ के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री इनटू कैप एन, साइन 180 इज जीरो। इसका मतलब टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम इज जीरो, या इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि ये जो सन और प्लेनेट दोनों मिलकर एक आइसोलेटेड सिस्टम बनाते हैं, मीन्स देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, सो टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। नाउ वी नो दैट
टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में रिलेशन क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी। बट हमने क्या प्रूव कर दिया कि टॉर्क क्या होती है, या सिस्टम आइसोलेटेड है, इस पर कोई टॉर्क नहीं लगी हुई, टॉर्क जीरो है। इसका मतलब डी एल बाई डी टी को क्या होना पड़ेगा, डी एल बाई डी टी को होना पड़ेगा जीरो, क्योंकि टॉर्क जीरो है। इसका मतलब डी एल बाई डी टी क्या हो गया, जीरो। अब आप याद कीजिए कि किसी कॉन्स्टेंट को यदि हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी बाई डी टी ऑफ एनी कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होता है, जीरो। इसका मतलब यदि हम इन दोनों को कंपेयर करें, तो इन दोनों को यदि हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास में क्या कंसेप्ट निकल के आएगा कि डी एल वाई डी टी इज इक्वल टू जीरो और डी वाई डी टी ऑफ कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब एल को क्या होना पड़ेगा यहाँ पर, कॉन्स्टेंट। और यदि एल कॉन्स्टेंट है तो यहाँ आ जाते हैं हम, हमारे पास में दिस इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यदि एल कॉन्स्टेंट है इसका मतलब क्या होगा कि ये जो पूरा फैक्टर है ये वाला 2m इंटू डी ए बाई डी टी, इसको क्या होना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट, राइट। अब यहाँ पर 2m क्या है, 2 इज नंबर कॉन्स्टेंट, m इज मास कॉन्स्टेंट, ये दोनों तो है ही कॉन्स्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, डी ए बाई डी टी को क्या होना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट। और यही हमें प्रूव करना था कि डी ए बाई डी टी के एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट, और ये हमने क्या प्रूव कर दिया, इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट। दिस इज कैपलर्स सेकेंड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।